मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें तेज हैं कि कुछ असंतुष्ट विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई असंतुष्ट और कहीं कुछ है नहीं कोई किसी भी विधायकों में। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल सर्वानुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले पर जो बैठक हुई है, सारे विधायकों ने सर्वानुमति से ये प्रस्ताव पास किया है कि हम सब ने जो आपको नेता चुना और नेता हमने जो माना है तो एकाध दो चार महीने के लिए नहीं माना है, हमने पूरे 5 साल के लिए आपको नेता माना है। पूरे 5 साल तक के लिए हम आपके साथ हैं और जहाँ कहीं अगर विपक्ष को ऐसा लगता है फ्लोर टेस्ट की बात ही बहुमत साबित करने की बात, तो जहाँ जो बोलोगे हम राज्यपाल जी के यहाँ चलने के लिए तैयार, हम विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हम आपको वोट देने के लिए तैयार है, बहुमत साबित कराने के लिए तैयार है। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, विपक्ष और भाजपा के लोग इस तरह के का माहौल और वातावरण बना रहे हैं और वो जो 5 महीने से सत्ता से बाहर क्या है भाजपा के लोग वो छटपटा रहे हैं, सब ऐसा है कमान को करना है और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है जो है प्रदेश को सबको मिल के करना है और जो भी होगा वो सर्वानुमति से बेटर निर्णय होगा, कांग्रेस के हित में होगा, प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए। कमलनाथ जी ने खुद कहा कि वो तो खुद छोड़ना चाहते हैं, तो जब सीएम बने तब सीख चुके हैं, तो उनमें उनको कोई कोई बोल नहीं, उस बात को तो लगातार बोलते आ रहे थे, बीच में चुनाव आ गया, चुनाव आने के कारण ये सब चीज़ें जो भी है, बाकी परिवार का मामला है, कांग्रेस परिवार का मामला है, ठीक ढंग से और अच्छी तरीके से ये भी इसका भी डिसीजन और निर्णय हो जाएगा और जो भी बनेगा वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के हित में होगा और प्रदेश की जनता जनार्दन को साथ में लेकर ये जो भी रिजल्ट आए हैं ये भाजपा के, इन पर पलटवार करने में भी वो हमारा अध्यक्ष जो होगा माहिर होगा और सब संगठन के सब मजबूत हो पूरे प्रदेश में, इस बात का संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब तरह से खड़े उतरने वाला अध्यक्ष बनेगा। साथ में दिए हैं कि 5-5 विधायकों का पूरा रख रखाव से लेके उनकी समस्याएं सुझाव उनके समय समय पर जो भी सुझाव मिले सरकार में। नहीं, वो तो देखो हम लोगों को मंत्रियों की ये ड्यूटी है कि वो विभागीय काम हो, जिसमें विधायक अगर कोई काम चाहते हैं तो वो संबंधित विभाग के मंत्रियों के पास अगर है तो उनको एक समय सीमा में उनके काम करके दिलाएं, काम करके दें, क्योंकि क्या होता है कि अगर टाइम बाउंडेड नहीं करेंगे तो फिर वो समय निकल जाने के बाद फिर ठीक नहीं होता है और एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम बने रहें, क्योंकि उनको भी मंत्रियों जैसा और मुख्यमंत्री जैसा ही उनको भी वहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है। तो जो अगर विधायकगण कोई अगर लेटर देते हैं, कोई काम देते हैं, कोई योजनाओं की बात करते हैं और कोई विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको मंत्रियों को गंभीरता से लेना है और उनको उनका काम करा के देना है। ये हमारा काम है कि कोई फालतू का कोई किसी को परेशान नहीं करे और हिफाजत रक्षा करने का काम हमारा है और कोई अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारा है। मैं इसको दिखवाता हूँ, मैं इसके तत्काल इसके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे फर्जी गौ रक्षकों की भी जांच कराई जाएगी जिस तरीके के ये सामने आए हैं? बिल्कुल, हर चीज़ की। और इस मतलब इस आड़ में कोई किसी भी तरीके की अगर कोई मतलब कुछ वो करना चाहते हैं, लाइन आर्डर बिगाड़ना चाहते हैं या किसी को जब फालतू में किसी को परेशान करना चाहते हैं, मारना पीटना चाहते हैं, कोई उसमें शामिल है ही नहीं और कहीं कुछ और कारण से कुछ और बदला लेना चाहते हैं, हम इनको इस तरह के कृत्य हम देखेंगे और ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जिससे कि लाइन आर्डर एक सख्त और एक कंट्रोल बना रहे, नियंत्रित रहे और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो।